हेलो यूट्यूब फैमिली, आज इस वीडियो में हम ये ब्लाउज बाजू की डिजाइन बनाना सीखेंगे। आज इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सीखेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये ब्लाउज की बाजू कटिंग की है। इसे हमने फोल्ड किया हुआ है। फोल्ड करके अच्छे से इसे हम प्रेस करेंगे। जहां से हमने इसे फोल्ड किया है वहां से हम इसे अब कट करते हैं। इसे हमने कट कर लिया है। जहां से हमने इसे कट किया है वहां से अब हम निशान लगाएंगे डिजाइन के लिए। बाजू की लंबाई लिए हमने 12 इंच, इसमें दो दो इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये जो हमने दो दो इंच पर निशान लगाए हैं वहां पे हम 1.5 इंच पर जहां से हमने कट किया उसी तरफ से निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद अब इनके सेंटर पॉइंट निकालेंगे। जैसे 2 इंच पर जो निशान लगाया था और दूसरा 4 इंच पर, उसके बीच में हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, दूसरा 5 पर, 7 पर और 9 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम जो निशान लगाया था वहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे और ऊपर वाले निशान से मिलाकर तिरछा हम निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा ली है, अब इसे हम कट करते हैं। इसे हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद इसे हम दोनों भाग को अलग अलग रखते हैं। ये डबल है अस्तर के साथ। इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब इसे हम उल्टा रखते हैं और इसमें जो हमने कटिंग की थी यहाँ से हम जहाँ पे हमें सिलाई लगानी है वहाँ पर हम निशान करेंगे। ये जो निशान किया है इसके ऊपर ही हमें अब सिलाई लगानी है। ये कॉर्नर है, कॉर्नर देती हुई हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से हमने जो दूसरा पार्ट है उसकी भी सिलाई कर ली है। अब सिलाई करने के बाद इसमें जो कॉर्नर है वहाँ से हम हल्का सा कट लगाएंगे। इसे हम सीधा करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये सीधा हो जाएगा, कोई सलवट वगैरह भी नहीं आएगी। ये कट लगाने के बाद इसे हम सीधा करते हैं। ये दोनों पार्ट्स को हमने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद ये जो हमने ये कटिंग की थी निशान लगाए तो वहां से हम इसकी सिलाई लगाएंगे फिर से। सिलाई लगाने से ये अच्छी तरह से जम जाएगी।
दोनों भाग पर हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमने एक सुई और धागा लिया है और कुछ स्टोन वगैरह लिए। इनको सीधा रखेंगे बाजू को, और जो ये कॉर्नर है दोनों के, इनको सुई से हम सिलाई करेंगे और ऊपर ये जो है स्टार जो स्टोन है वो लगाएंगे। सिलाई हम डबल लगाएंगे जिससे ये मजबूत हो जाएगा। ये हमने एक लगा लिया है। इसी तरीके से सभी कॉर्नर पर हमें ये लगाने हैं। ये हमने लगा लिए हैं। लगाने के बाद स्टोन, ये लेस है, इसे हम लगाएंगे बाजू की नीचे की तरफ, इसे लगाना है। दोनों तरफ से इसे फोल्ड करना है। इस तरीके से हमने इसे लगा लिया है। इसी तरीके से हमारी बाजू बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे हमने बनाया है।